हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिना वर्णमाला का ज्ञान हुए पूरी यदि हमें बारह कड़ी नहीं भी आती, सिर्फ हमें क ख गा घ के बारे में पता है कि उनके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग होता है, तो हम उस बेस पे हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और हम अपने स्पोकन को भी बहुत अच्छा करेंगे और अपना प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा करेंगे कि हम आखिर कैसा पढ़ेंगे उनको, उस चीज़ को मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हमारा पहला वर्ड है गाइस BALL, ठीक है। यदि किसी वर्ड के बाद में ALL लिखा हुआ मिलता है हमें, ठीक है, किसी वर्ड के बाद में क्या होता है, ALL लिखा मिलता है, तो हम इसका उच्चारण करते हैं आल के रूप में, है ना। तो जैसे इसके पहले ब लग गया बी, और ये हो गया हमारा ALL आल, तो क्या हो गया ये बाल। उसी प्रकार आल के पहले एम लग गया तो ये क्या हो गया माल, ठीक है। उसी प्रकार आल के पहले सी लग गया तो हमें पता है कि क के लिए सी का प्रयोग किया जाता है, तो हमने क्या किया, इसे भी हमने काल लिखा, ओके। अब हम देखेंगे कि आल के पहले फिर टी लगा है और हमें पता है कि टी का प्रयोग ट के लिए किया जाता है, तो इसे हम टाल पढ़ेंगे। आल के पहले एफ लगा है तो हमने देखा कि फ के लिए इसका प्रयोग होता है, तो हम इसे फ बोलेंगे, ठीक है, तो फॉल हो जाएगा ये। उसी प्रकार आल के पहले एच लगा है और एच का प्रयोग ह के लिए किया जाता है, तो इसे हम हाल पढ़ेंगे, है ना। इतना आपको समझ में आया होगा कि यदि किसी भी वर्ड के बाद यदि ALL आल लिखा मिलता है हमें, आल आल आल, और उसके पहले यदि जो भी वर्ड लिखा है, जैसे ब लिखा है तो हमने बाल पढ़ा उसको, ठीक है, एम लिखा है तो माल पढ़ा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, यदि इस किसी भी वर्ड के आगे ए और पीछे ई लिखा होता है तो उसका उच्चारण हम लोग ए की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ ई, बीच में कोई भी वर्ड आ सकता है हमारा, है ना। यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी ई, यहाँ भी ए, यहाँ भी, किसी भी वर्ड के बीच में यदि ए और ई का उच्चारण आता है या ए या ई आते हैं तो उसे हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे एन ए एम ई, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, नेम, है ना, हमने यहाँ ई का कोई उच्चारण नहीं होगा यहाँ। उसी प्रकार सी ए एम ई, इसे हम पढ़ेंगे कैम, यहाँ भी एम के बाद में ई है तो ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। उसी प्रकार जी ए एम ई, गेम, इसमें भी ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। एस ए एम ई, सेम, तो इसमें भी ई का कोई उच्चारण नहीं है। उसी प्रकार लैम, ओके। हम लोगों ने दो लाइनों को देखा, जैसे यदि किसी वर्ड के बाद ALL आता है तो उसका उच्चारण हम आल के रूप में करते हैं और उसके पहले जो भी वर्ड है उसके साथ हम उस वर्ड को जोड़ देते हैं। जैसे माल में माँ है, है ना, काल लिखा है तो काल के लिए सी, हमें पता है कि सी के लिए क का प्रयोग होता है, तो काल टाल, ओके। उसी प्रकार यहाँ नेम कैम। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइट। हम देखेंगे किसी भी वर्ड के आगे आई और पीछे ई का प्रयोग होता है तो इसका प्रयोग हम ई प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम इसका। यहाँ भी देखिए कोई वर्ड है हमारे पास, उसके आगे आई पीछे ई, आगे आई पीछे ई, ओके, तो हम इसका ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे एस आई टी ई, तो हम पढ़ेंगे इसे साइट, ठीक है। यहाँ भी कोई भी वर्ड होगा वो लास्ट में जुड़ जाएगा, लेकिन बीच में हम ई के रूप में प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, एस आई टी ई, तो ये हो जाएगा साइट। उसी प्रकार बी आई टी ई, तो हम इसे बोलेंगे बाइट, है ना, टी तो था तो ये हमने टा लगा दिया और बीच में जो आई टी का उच्चारण था वो ई के रूप में हुआ। उसी प्रकार आर आई टी ई क्या हुआ, राइट, है ना, तो यहाँ भी आई का उच्चारण हमने ई के लिए। उसी प्रकार के आई टी ई, काइट, आर आई डी ई, तो हम अब राइट बोलेंगे इसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी है तो आर आई को हमने क्या बोला, राई ड, यहाँ भी ई का कोई उच्चारण नहीं। उसी प्रकार टी आई डी ई, टाइड, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमने देखा, इसमें भी वही है कि कोई भी वर्ड बीच में आया उसके पहले आई और लास्ट में ई है तो हम लिखेंगे यहाँ एफ आई एन ई, तो फाइन, एल आई एन ई, लाइन, डब्ल्यू आई एन ई, वाइन, एन आई एन ई, नाइन,
M-I-N-E, माइन। तो इसमें भी जो बीच का वर्ड है वो किसके रूप में प्रोनाउंसिएशन करेगा, ये आई ई का प्रोनाउंसिएशन करेगा। तो इस प्रकार हम लोग फाइन, लाइन, वाइन, नाइन, माइन, यदि आई और ई आता है किसी वर्ड के आगे पीछे तो ई का उच्चारण होगा। ओके, जैसे यहाँ देखा हमने कि ए और ई आ रहा था तो ए की मात्रा का उच्चारण हुआ था, जैसे लेम, यहाँ भी ई का कोई उच्चारण नहीं था। जैसे यहाँ हमने देखा, अब हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे, नेक्स्ट वाला वर्ड देखेंगे। अब हम किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एन डी आता है तो उसका मतलब होता है उंड, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड है लेकिन उसके बाद में यदि ओ यू एन डी आता है तो उसका मतलब होता है उंड, और उसके पहले यदि जो वर्ड लिखा हुआ है उसको हम सामने लगा देंगे। जैसे एस ओ यू एन डी तो ये स के लिए क्या होता है, एस आता है तो ये सा उंड हो गया। बी ओ यू एन डी बाउंड, एफ ओ यू एन डी फाउंड, जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड। ओके, लास्ट में ओ यू एन डी आता है तो उसका उच्चारण उंड होता है, ठीक है ना। उसके पहले आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, जैसे बी है तो बाउंड जोड़ लेंगे, एफ है तो फाउंड जोड़ लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी वर्ड के पहले ओ और बाद में ई आता है तो उसका प्रयोग हम ओ की मात्रा के रूप में करते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड आ सकता है उसके आगे ओ और पीछे ई, आगे ओ और पीछे ई। ओके, तो उस टाइप के वर्डों में हम लोग ओ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। जैसे एच ओ एम ई होम, डी ओ एम ई डोम, एफ ओ एम ई फोम, जी ओ एन ई गॉन और आर ओ एम ई रोम। इस प्रकार हम लोग ओ की मात्रा का उच्चारण करेंगे इसके साथ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब है जैसे पी में ओ यू एन डी लगा तो पाउंड हो गया, ए के बाद आर ओ यू एन डी लगा तो अराउंड हो गया, सी ओ एम पी लिखा है उसके बाद में फिर हमने देखा ओ यू एन डी लगा तो ये कंपाउंड हो गया। तो हमारे वर्ड कैसे बने, पाउंड, अराउंड, कंपाउंड। ओके, सिर्फ आप लोगों को वर्णमाला के बारे में पता होना चाहिए कि पी के लिए प आता है और अ के लिए ए आता है। ओके, यदि आपको सिर्फ इतना पता है तो आप इस प्रकार से छोटे छोटे वर्डों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ओ यू एन डी तो उंड होता है और उंड के पहले हम कोई भी वर्ड को जोड़ देंगे, ए जोड़े तो अराउंड, पी जोड़े तो पाउंड। नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी वर्ड के बाद यदि टी आई ओ एन लिखा मिलता है तो उसका मतलब होता है सन। किसी कोई भी वर्ड हो उसके आगे यदि हमें कोई भी वर्ड हो यदि उसके आगे हमें टी आई ओ एन लिखा मिलता है तो हम लोग उसे बोलते हैं सन। ओके, जैसे एक्शन, ठीक है, टी आई ओ एन सन होता है, ए सी लगाए हमने तो एक हो गया, एक्शन। उसी प्रकार आर ए टी आई ओ एन तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राशन या रेशन भी बोलते हैं हम इसे। उसी प्रकार देखेंगे एस टी ए स्टे, टी आई ओ एन लगा तो सन हो गया। उसी प्रकार हमने देखा मैन, एम ई एन मैन, टी आई ओ एन सन, मैन सन। फिर देखा हमने एन ए ने, टी आई ओ एन सन, ने सन। ओ पी ऑप, टी आई ओ एन सन, ऑप सन। एम ओ मो, टी आई ओ एन सन, मो सन। एल ओ लो, टी आई ओ एन सन, लो सन। ओके, नेक्स्ट है अब टी यू आर ई, किसी वर्ड के आगे यदि हमें टी यू आर ई लगा मिलता है तो हम उसका उच्चारण चर के रूप में करते हैं, उसे हम चर बोलेंगे। जैसे एन ए ने, टी यू आर ई चर, नेचर। एफ यू टी यू आर ई तो टी यू आर ई का हमें पता है कि हम इसे बोलते हैं चर। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, टी यू आर ई चर, तो चर के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, एफ यू फ्यू, टी यू आर ई चर। ओके, उसी प्रकार पिक्चर में भी पी आई सी पिक, टी यू आर ई चर, पिक्चर, और एम आई एक्स मिक और टी यू आर ई चर। उसी प्रकार टी यू आर ई यदि हमें किसी वर्ड के पीछे मिलता है तो उसका मतलब होता है चर, और अगर यदि एन है तो न जुड़ जाएगा, एफ है तो फ जुड़ जाएगा। उसी प्रकार नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, मिक्चर, इस टाइप से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो हमें सिर्फ पता रहना चाहिए कि किन वर्डों के साथ क्या चीज़ आ रही है। ओके,
यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में और ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस और स्पोकन इंग्लिश लेकर मैं आप लोगों के लिए आऊँगी।